Yes, my dear students, so recall the name of the chapter, Women caste and Reform. Now we have completed the one pillar of the chapter that was women women's struggles we have read, the sati pratha, how it has been. We have discussed so many issues. Now we will come on to another issue that is the caste the so, caste also a great problem during that time in our India. Some of the social reformers we have learned discussing.

तो उनको प्रूफ दिखाना पड़ता था सोसाइटी को तो उसके लिए उन्होंने बुद्धिस्ट टैक्स उठाया और उसमें दिखाया कि कहीं पर भी कास्ट सिस्टम नहीं दे रखा है द प्रार्थना समाज एडियर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वेलिटी टू ऑल द कास्ट कि प्रार्थना समाज में हर धर्म के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई इन बॉम्बे द परमहंस मंडाली वॉज फाउंडेड इन एटीन फोर्टी टू वर्क फॉर एवोल्यूशन ऑफ़ कास्ट परमहंस जी भी वर्क कर रहे थे किसके लिए कास्ट को रिमूव करने के लिए मैनी ऑफ दीज रिफ़ॉर्मर्स एंड मेम्बर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन और पीपल ऑफ़ अपर कास्ट लेकिन देखो अच्छी बात क्या थी ये सब लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे बट दे फील द ग्रीफ ऑफ द लोअर कास्ट पीपल कि गलत कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लोग ही हमारे ब्राह्मण लोग गलत कर रहे हैं लोगों के साथ कास्ट सिस्टम प्रिवेल करके ऑफर इन सीक्रेट मीटिंग्स तीस रिफॉर्मर्स वॉयलेट कास्ट ताबूत on food and touch in an effort to get rid of hold of caste prejudice in their lives जब वो अकेले में होते थे तो उनके साथ मिलते थे बैठते थे खाना खाते थे टच करते थे और लोगों को दिखाते थे कि हम क्या पवित्र हो गए ऐसा कुछ भी नहीं होता है बट कबीर जी के बारे में भी आपने सुना है कि ब्राह्मण लोगों ने उनको गंगा की कटौती में क्या कहा था कि ये लोटा जो है अप, अपवित्र हो गया तो उन्होंने कहा था पूरी गंगा ही अपवित्र होगी क्योंकि मैंने इसमें स्नान किया है सो इन दिस वे दे जस्ट वॉन्ट टू क्लेरिफिकेशन टू गिव द ब्राह्मण और द अपर कास्ट पीपल की सच थिंग्स आर नॉट मैं इन एनी एशियंट टेक्स देयर वर ऑल्सो क्वेश्चन एंड इनजस्टिस ऑफ द सोशल कास्ट सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज अब इसका बेनिफिट किसने उठाया क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए बिकॉज यू नो दे केम टू इंडिया टू स्प्रेड देयर ओन रिलीजन ऑल्सो बिगेन ऑफ सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रेन उन्होंने स्कूल स्टार्ट किए जहाँ पर उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों के लिए वेलकम किया उनको उन्होंने लैंड देना भी ऑनर करना भी स्टार्ट कर दिया तो दीज चिल्ड्रेन वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सिस टू मेक देयर वे इन टू चेंजिंग वर्ल्ड अब उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी स्कूल्स मिल रहे थे तो दे चेंज देयर रिलीजन सो दिस वॉज द वन रीजन मैनी पीपल है चेंज देअर रिलीजन ड्यूरिंग दैट एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग दियर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था अब लोग गाँव छोड़ के शहरों की तरफ आने लगे बेटा आपके सिटीज़ के अंदर देखा है सच काइंड ऑफ कास्टिज्म इज नॉट

एंड द जॉब्स इन म्यूनसिपैलिटीज़ यू हैव रेड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ दिटीज इन चैप्टर सिक्स अभी हमने चैप्टर सिक्स डिलीट कर दिया उसमें हमने पढ़ना था कैसे सिटीज़ को डेवलप हुई थी थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स फॉर लेबर दिस क्रिएटेड ड्रेन्स हैड टू बी डग क्योंकि नई नई बिल्डिंग्स बन रही थी नए नए यहाँ पर इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो रही थी तो यहाँ पर काम करने के लिए क्या चाहिए थी लेबर और लेबर कहाँ से आ रही थी विलेज टू सिटीज क्योंकि दे हैव टू डू डिफरेंट वर्क तो वट काइंड ऑफ वर्क डग रोड्स लेड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज इज ये सारा काम कौन करने लग गए ये लोअर कास्ट के लोग करने लग गए दिस रिक्वायर्ड कुलिस जिगर डिगर्स कौन होते हैं जो खोदाई करने वाले होते हैं कैरियर्स जो आपको एक प्लेस से उसे सामान को लेके जाते हैं ब्रिक लेयर्स जो ईंटों में काम ईंटों के भट्टों में काम करते हैं सीवेज क्लीनर्स सीवेज साफ करने वाले स्वीपर्स पेलगुविन ब्रियर्स पलान क्वीन बेरर्स क्या होते थे जो पालकी लेके जाते थे क्योंकि हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो डेवलप नहीं थे तो वो पालकीज लेके एक प्लेस से दूसरे जाते थे रिक्शा पुलर्स वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम ये लेबर कहाँ से आ रही थी सारी लेबर कहाँ से आ रही थी ये विलेजेस से आ रही थी द पुअर फ्रॉम द विजेज एंड स्मॉल टाउन्स मैनी ऑफ दैम फ्राम लोअ कास्ट बिगे मूविंग टू द सिटीज वेयर देयर वॉज ए न्यू डिमांड फॉर लेबर उनको काम भी मिल रहा था रिस्पेक्ट भी मिल रही थी दो दे प्रम टू दिटीज सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन plantations, जो टी बगानों में टी प्लानेशंस में वर्क करने लगे रबर प्लांटेशन में वर्क करना स्टार्ट कर दिया इन असाम मॉरिशियस फिनीलैंड इंडोनेशिया वर्क इन द न्यू लोकेशंस वॉज ऑफन वेरी हार्ड बट द पुअर द पीपल फ्रॉम लो कास्ट सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी उन्होंने इसको कैसे माना एक अपॉर्चुनिटी की तरह माना क्योंकि आज भी आप देखते हो बिहार से यूपी से बंगाल में लॉकडाउन में आपने देखा कितने लेबरर्स आते हैं दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर देयर जॉब्स टू गेट अवे फ्राम द अप्रेसिव होल्ड द बायट अपर कास्ट लैंड ऑनर्स एक्सरसाइज ओवर देअर लाइफ एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफ़र क्योंकि वहाँ पर गाँव में तो उनको पानी भी नहीं पीने देते थे मंदिरों में भी नहीं जाने देते थे इन सबसे ह्यूमिलेशन से उन्होंने सफर से रिलीफ मिला मैन दे कम टूवर्ड्स दिटेस सो आई होप यू इंजॉय टेल हि थैंक यू हैव अ गुड डे